राम के दास रसता दिखा दो, मेरे राम। हमने सुना था कलयुग चल रहा है, लेकिन साहब दीदी मोबाइल रख दो मिनट के लिए, ये सबसे बड़ी बीमारी की जड़ है, हमारे लिए भी परेशानी बनता है। दो मिनट के लिए रख दो प्लीज, दो मिनट मांगे आपसे। कलयुग सुना था कि कलयुग काल चल रहा है, यहाँ सारे बुजुर्ग बैठे हैं, किसी ने सुना था कोरोना काल भी आएगा। साहब जो किसी के घर से 10 रुपए मांगने ना जाता हो, टीवी पर क्या हमने पड़ोस में देखा है, आटे का कट्टा मांगने के लिए भीड़ तक लगी थी साहब, दो वक्त का खाना नहीं हो पा रहा था, पूरे जीवन भर एक एक कौड़ी जोड़ करके महल मकान बनाया, लेकिन किसी काम का साहब, किसी काम का नहीं। जो नहीं मानते किसी काम का तो दोनों हाथ उठाओ, जो किसी काम का नहीं वो राम के नाम का होता है। दीदी इन हाथों पे घमंड मत करना, उठाओ दोनों हाथ, ये तो यहीं रह जाएंगे, मुट्ठी बांध के हाथ पसार के जाएगा साहब। एक बात और कह देता हूँ, आप सुन लो उसके बाद भजन सुन लेना। एक बात देखा है, जब अंतिम समय आता है, चार कंधों पर ये शरीर रखा होता है, मिट्टी का ढेर बन जाता है, उसको शमशान में ले जाया जाता है। मैंने अखबार में कहीं लेख पढ़ा, मेरे गुरुजी ने कहा कि बेटा एक चीज आपने देखी है, आपने भी देखी होगी, मेरे को कोई बता देगा यह सज्जन बेटा है कि जब कोई सैया जाती है अंतिम संस्कार के लिए, तो उस पर फूल और मखाने और ये पैसे क्यों लुटाए जाते हैं, कोई बताएगा? सारे चुप हो गए। भजन जागरण चौकी में जाते हैं, नाच लिए, गाली हो गया काम साहब, इससे काम नहीं चलेगा। वो इसलिए उठाते हैं, ये भी जीवन का आधार है, मखाने तो इसलिए लुटाए जाते हैं। आपको बता देता हूँ, अखबार में पढ़ा था लेख साहब, अमर उजाला में एक छोटा सा प्रिंट था, लेकिन सीख दे गया कि मखाने इसलिए लुटाए जाते हैं कि जीवन में कोई भी बुरे अच्छे कर्म कर लो, लेकिन जब जाओ तो सच्चाई अच्छाई साथ जाती है साहब। इतने हल्के होके जाओ कि मखाने की तरह ना तो डूब सकते ना उछड़ सकते, बोल सच्चे दरबार की। और पैसे इतना समझ में आए इसलिए लुटाए जाते हैं कि जीवन भर इस पैसे के लिए कौड़ी कौड़ी जोड़ने के लिए मरा था साहब, अब तेरे में दम है तो उठा ले, बोल सच्चे दरबार की। उठाओ दोनों हाथ और मिलकर मेरे साथ कहेंगे क्या, राम के दास रसता दिखा दो, राम जी से हमें तुम मिला दो, राम के दास, बोल सकते हो ना? आओ भैया मीठा मीठा बंटी भैया, दोनों हाथ की ताली बजा के, राम के दास, राम के दास रसता दिखा दो, राम जी से हमें तुम मिला दो, राम के दास रसता दिखा दो, राम जी से हमें तुम मिला दो, राम के दास। उठा करके दोनों हाथ लहरा के ताली बजाते हुए, जब तुम्ही को पुकारा, रोया जब जब तुम्ही को पुकारा, हर मुसीबत से तुमने निकाला, हर मुसीबत से तुमने निकाला, जब जब प्रभु कि दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो मुझे तेरी याद आई ना होती, कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को, जब जब रोया तुम्ही को पुकारा, जब जब रोया तुम्ही को पुकारा, हर मुसीबत से तुमने निकाला, निकाला हर मुसीबत से तुमने निकाला, मुझको भक्ति का
मुझको भक्ति का, मुझको भक्ति का प्याला पिला लो, राम के दास रसता दिखा दो, राम के दास रसता दिखा दो, राम जी से हमें तुम मिला दो, राम के दास। जो जो राम के प्रेमी है दोनों हाथ उठा करके, और रामचंद्र भगवान की क्या बात है। कौन सा काम तुमसे जो ना हो, कौन सा काम तुमसे जो हो, कौन सा काम तुमसे जो ना हो, कौन सा काम तुमसे जो ना हो, भोले भगवान की आत्मा हो, भोले भगवान की आत्मा हो। शंकर जी के ग्यारहवें रुद्र अवतार मेरे बालाजी महाराज, जो एक भक्त होकर भी प्रभु के काम आए, आज सब इंसान इंसान के काम नहीं आ रहा है। दोनों हाथ उठा करके, भोले भगवान की आत्मा हो, भोले भगवान की आत्मा हो। लहरी चंदन, लहरी चंदन, लहरी चंदन वो घिसना सिखा दो, राम के दास रसता दिखा दो, राम के दास रसता दिखा दो, राम जी से हमें तुम मिला दो, राम के दास। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर राम का उच्चारण करेंगे और मिलके बोलेंगे क्या, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। अरे इस मुख से राम का नाम नहीं लिया तो जब अंत समय आएगा ना तो सब बोलेंगे राम नाम। अरे आज ही ले ले, प्रभु का नाम तो सत्य है साहब। दोनों हाथ उठा करके बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम। दोनों हाथ उठा करके बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम हे महाराज की।